आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर। नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज डॉट कॉम। ये दमोह है, यहाँ पर उपचुनाव है। दमोह इसलिए खुला हुआ है कि यहाँ पर उपचुनाव है और पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन है। यहाँ पर हम दमोह के बाजार में घूम रहे लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी राय जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पर विकास हुआ है कि नहीं हुआ, और वो किसको वोट करने के लिए जा रहे हैं, क्या उन कौन सा प्रत्याशी उनको अच्छा लग रहा है, किसका विरोध है, किसके पक्ष में जा रहा है, तो लोगों से बात करते हैं। जी मास्क है सर मेरे पास में। जी क्या नाम है आपका? भरत नामदेव। फ्रूट का काम करते हैं? नहीं, कपड़े का व्यापार करते हैं। तो यहाँ पर मेरा दोस्त है। अच्छा, दोस्त के का, तो दोस्त कहाँ गया? काम से गया। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके दमों में उपचुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी आनी चाहिए, लेकिन विकास के नाम पे कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। जी विकास के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। फिर इतने सालों से बीजेपी रही, जयंत मलैया भी रहे, राहुल सिंह तो कांग्रेस से एक डेढ़ साल के लिए आए, वो तो दल बल्ले हैं। तो इस हिसाब से ये है कि बीजेपी तो आनी चाहिए, कि मामा जी का काम अच्छा है, स्वराज जी मामा का काम अच्छा है। नहीं, ये नहीं लग रहा कि पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना है, क्या है? दमों में है? नहीं, दमों में भी कोरोना है। तो फिर यहाँ तो सब अपन तो भीड़ लगा खड़े हैं, सब कितने सारे लोग हैं। ये राजनीति का कोरोना है, ये राजनीति का कोरोना है, इसके लिए कुछ नहीं है। जब तक यहाँ पे कोरोना, बीजेपी का काम अच्छा है फिर? जी बीजेपी का काम अच्छा है, कोरोना हो या ना हो भाई संतुष्ट है। जी क्या नाम है साहब आपका? शैलेंद्र जड़िया। जड़िया जी क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ ड्राई फ्रूट्स का। ड्राई फ्रूट्स का मतलब थोक व्यापारी हैं? नहीं, फुटकर। फुटकर व्यापारी, छोटा व्यापारी। सर आइए ना इधर, आइए निकल। हाँ भैया, तो आप क्या हैं उपचुनाव दमोह में? हाँ, क्या लग रहा? लग रहा है कि कांग्रेस जीत जाएगी। क्यों? इसलिए जीत जाएगी भैया, इसको जो अपन ने, हम लोग मतलब जनता ने चुना था दमोह की जनता ने, और ये इसने बीच में जम दमोह की जनता को बेच दिया, और दमोह की जनता पे भार आ रहा है, जो चुनाव हो रहा है, जो महंगाई बढ़ेगी इसके जनता का पूरा असर पड़ेगा भैया। और दमोह की जनता दिलवालों की है, दमदारों की है, वह गलत आदमी को स्वीकार नहीं करेगी। वो तो कह रहे हैं कि हम वो कमलनाथ विकास नहीं कर रहे थे, इसलिए दल बदल के भाजपा में आए ताकि दमोह का विकास हो सके। नहीं, ये सब हमें लगता है, अब ये मैं तो उनकी चीज़ें नहीं समझ सकता। बाकी मैं यह कहता हूँ कि दमोह में एक उपचुनाव एक भार की तरह डाल दिया गया है, और दमोह की जनता परेशान है। देखिए आप, अब महंगाई बढ़ेगी, इसका भार वैसे ही तो हर सामान का रेट बढ़ता जा रहा है, चाहे तेल हो, चाहे गैस टंकी हो, या कोई और भी चीज़ें हो, ये सबका रेट बढ़ते जा रहे हैं। हमारी दमोह की जनता परेशान है, वैसे ही तो गरीब आदमी परेशान है, और ये चुनाव का बोझ डाल दिया गया है दमोह में, ज़बरदस्ती डाल दिया गया है, और राहुल सिंह चले गए हैं, से हमारी दमोह की जनता बहुत परेशान है। कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। नाम क्या है आपका? विजय साहब। क्या करते? कुछ नहीं। क्या लग रहा चुनाव में? चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। क्यों? कांग्रेस, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस, कांग्रेस। हाँ, ये स्टूडेंट हैं, आइए आप भी आइए। क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह ठाकुर भाई। क्या करते हैं? बस स्टडी कर रहे हैं हम। पढ़ाई मतलब को पढ़ाई किस चीज़ की चल रही है? मैथ से कर रहे हैं भैया पढ़ाई। अच्छा, और क्या? चुनाव है, वोट आ गया नहीं आया? अभी आ गया भैया। पहला वोट डालोगे? पहला वोट डालेंगे उपचुनाव में। उपचुनाव में पहला वोट डालेंगे, नहीं तो फिर डालने नहीं मिला ना अभी। अभी तक डालने नहीं मिला, पहला चुनाव हुआ वो भी मतलब वोट आया तो उपचुनाव में आया। क्या लग रहा है आपको? बस भैया सोच समझ लेंगे, डालेंगे लेंगे जरूर। सोच क्या समझोगे? मैं भी अभी तो सोचा है, जो कुछ चल रहा है लेंगे हिसाब से। हाँ, बताना जरूरी भी नहीं है। हाँ, जरूरी भी नहीं है, ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आपको माहौल भी तो समझ में आ रहा होगा ना कि क्या लग रहा, कौन जीत सकता है? माहौल समझ में आ रहा है, अभी तो दोनों पार्टी की चक्कर चल रही है भैया। हाँ, अभी दोनों पार्टी चल रही है दोनों। भैया सो, लेकिन इस साल दमोह में कांग्रेस आ सकती है। कांग्रेस आ सकती है, बीजेपी ने बहुत मतलब बीजेपी जीत नहीं थी, लेकिन बीजेपी वालों ने बहुत कुछ गलत कर दिया। कांग्रेस का हो सकता है, जनता उत्साही हुई है, रूठी है। क्या नाम है भैया आपका? अरे यहाँ यार, हम आपसे बात कर रहा है। क्या नाम है आपका? बलराम। बलराम क्या करते हैं? बलराम हम पंप पे रहते हैं, पंप पे, पेट्रोल पंप पे। अच्छा, क्या लग रहा है दमोह के उपचुनाव में? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा है, कोरोना ज़्यादा चल रहा है सबसे। तो कोरोना मध्य प्रदेश में सब बंद है, यहाँ खुला हुआ है।
तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा हमें कुछ। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी विनोद कुमार। क्या करते हैं? ठेला लगाते हैं यहाँ पर। क्या लग रहा हो दमोह के उपचुनाव में? दमोह का उपचुनाव का तो ये लग रहा है कि अब अगर जनता है जैसा कुछ कर ले, नहीं तो हम तो यही चाहते हैं कि सारी जनता का कहना है कि पहले जो हमने पहले वोट दी थी तो राहुल सिंह जी पहले उसका हिसाब तो बताएं कि हमने कितने का बेचा वो। हाँ। आज हमारी वोट बेच दी तो कल हमारा दमोह भी बेच सकते हैं। वो ये कह रहा है कि भाई कमलनाथ ने धोखा दिया जनता को, इसलिए मैं छोड़ के भागा हूँ। कमलनाथ ने क्यों धोखा दिया? हम नहीं चाहते थे तो हमने आपको कांग्रेस को वोट दिया था, तब आपको उस समय नहीं लग रहा था कि कांग्रेस कुछ नहीं करेगी, हम इस पार्टी को क्यों ले। उस समय भी तो आप बीजेपी को यूज कर सकते थे, आपको पैसे मिले तो आप ये बहाना बताने लगे और आपको पद मिल गया तो आप ये बहाने बताने लगे। पब्लिक को आज आप आ रहे हैं और फिर कल तो और बनाएंगे ही बनाएंगे। ये क्या नाम है आपका? हमारा कृष्ण कुमार रोहित। ये क्या है? ये गुड़िया के बाल। हाँ, विटामिन बेटा नहीं, गुड़िया के बाल। गुड़िया के बालों के नाम से इसको कहते हैं। कितने बेच लेते हो दिन भर? दिन भर में 100 रुपए या 125 रुपए बेचते। 30 साल हो गए हैं, कुछ नहीं किया जनता पार्टी ने, कुछ नहीं किया है। अच्छा ये बताइए आप हमें, इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार अजय टंडन भाई पंजाब। अच्छा, हाँ अजय टंडन तो इतनी बार हार चुका, हरा दिया तो के, लेकिन हमने माहौल देख रहा है, सिटी का माहौल देख के बोला है, माहौल देख लिया। हाँ, तो राहुल सिंह क्यों नहीं? राहुल सिंह अभी हमारी कुटी भी नहीं आए, हमारे बाढ़ में हमारी झोपड़ी बनी है आज भी, इसलिए हमें नफराती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा यादव है। क्या करते हो यादव जी? बस मैं कंडक्ट करता हूँ। अच्छा, ये बताओ यहाँ पे क्या लग रहा है चुनाव में? इस बार चुनाव में टंडन जी जीतेंगे, टंडन जी, क्योंकि राहुल भैया पे बिक चुके थे, उनका कोई भरोसा नहीं करता है। जी अभी उन्हीं का चल रहा है दमोह में। अच्छा जी, टंडन जी का चल रहा है अभी। दमोह के लोगों से बात की है, काफी मुखर होके और बड़ी स्पष्टता के साथ कई लोगों ने बात की। कई लोगों का कहना ये है कि राहुल सिंह ने जो है जो दल बदल किया है वो दमोह की जनता को शायद वो चीज़ पसंद नहीं आ रही। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सपने अब होंगे पूरे, चालीसा हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। 7.83 एकड़ में आवासीय प्लाट चालीसा हिलव्यू, सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी में सभी साइजों में आवासीय प्लाट उपलब्ध है। पूर्णता वैध कॉलोनी, संपूर्ण रूप से कवर्ड कैंपस, गार्ड रूफ पार्क, 24 घंटे सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, चौड़ी सीसी रोड, प्राकृतिक सुंदर पहाड़ों के बीच स्थित कॉलोनी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, वाटर सप्लाई ओवरहेड टैंक द्वारा, सिवर लाइन हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सुंदर स्ट्रीट लाइट, राष्ट्रीयकृत बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें, हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर।